भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई। भाई साहब पहले नाम बताओ। आकिल खान। कहाँ से आए हो? जिला बरेली। अच्छा, गाँव मेढोरा। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आए हुए आपको? हो गया 15 दिन। 15 दिन। तो कैसा है अभी तक माहौल? कैसा है माहौल? बहुत गंदा है, बेकार है माहौल। सही नहीं है? बिल्कुल बेकार है। तो कितने अभी कितने घोड़ा घोड़ी लेके आए हो आप? हम 4 लाए थे। तो अभी कुछ बिके? कुछ नहीं बिका। कुछ भी नहीं बिका? ऐसे ही है, बहुत मजा है। तो पहली बार आए हो? पहली बार, फर्स्ट टाइम आए। तो व्यापार कितना टाइम हो गया करते हुए? हो गया 2-3 साल हो गए। नए में ही हो? तो किसने कहा था सारन खेड़ा चलना चाहिए आपको? अरे अपनी उससे चल जाए भाई। तो वैसे तो ये सही रहता है यहाँ का? तो अब तो इस साल तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये तो आपके लिए तो गड़बड़ हो जाएगा अगर पहली बार कुछ कर रहे हो और फिर उसमें भी वही। तो कैसे ग्राहक ही नहीं आ रहे, के कम लगा रहे? ग्राहक आते हैं, बयाना दे के चले जाते हैं, लौटते ही नहीं है। तो कितना बयाना दे जाते हैं? बयाना जी 100-200 रुपए दे गए, लौट के ही नहीं आते हैं। फांस गए, इस वजह से आप बेच भी नहीं पाते हो। चलो इसके बारे में बताओ, क्या उम्र है इसकी? ये बच्चा है भाई। अच्छा, 11 महीने का। कितने का? 11 महीने का। 11 महीने का। हाइट कितनी होगी अभी इसकी? हाइट तो अभी ऐसी होगी 57-58 होगी। अच्छा, एक पैर सफेद है ना इसका? एक बार दो है अलग। एक, अच्छा एक आगे का है? आगे। अच्छा, तो मारवाड़ी में ही है ना ये? हाँ, मारवाड़ी है। कलर कौन सा होगा इसका? ये कलर तो ये लाल हो गया भाई। कुमैद में ही आएगा? कुमैद में ही आएगा। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हो इसकी? 1,11। 1,11,000। तो पैसे कुछ लगेंगे क्या? क्या माहौल ही नहीं बना? माहौल बना, लगा के चले गए बयाना थमा के। तो ये तो गलत है ना? ये तो बहुत गलत बात भाई। ये तो ऐसे तो आदमी फंस जाता है ना, वही चक्कर है। तो बेच भी नहीं पाता फिर तो दूसरा के। हाँ, फिर वो आदमी ये लगता है कि यार अब हम बेच लेंगे, और जब कोई बयाना दे गया कि बेचना नहीं है फिर। हाँ, वही तो। इसके बारे में बताओ, ये भी घोड़ा है? ये भी घोड़ा है भाई। क्या उम्र है इसकी? 2 दांत है। 2 दांत है। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट होगी करीब 61। 61। कान वान तो बढ़िया है इसके? हैं अच्छे। नीले में आएगा ना? नीले में। नीला है? नीले में। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हो उसकी? इसके 120। 120। कितनी हाइट जाएगी इसकी? कितनी चली जाएगी इसकी हाइट? जाएगी करीब 64-65 इंच बनेगा भाई। बनेगा 64-65 इंच। तो आपने डिमांड बताई इसकी 120 और हाइट है अभी 61 और एज है 2 दांत। ठीक है, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ भाई, क्या घोड़ा है ये? हाँ, घोड़ा है, लाल अबलग। लाल अबलग चलता है क्या ये? हाँ, बहुत अच्छा चलता है ये। हाँ, पैर बता रहे हैं। नाचता भी है। नाचता भी है, नाच काम भी, देवमन भी बोरी है, भी है। गठमन दोनों है। उम्र कितनी है इसकी? उम्र 4 साल। 4 साल। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हो उसकी? इसका 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। बाल बोरी में साफ है सब? बिल्कुल क्लियर। बॉडी भी बढ़िया बनी हुई है? अच्छी बनी हुई है बॉडी। ऊपर करना जरा इसको। अरे आजा ऊपर। खूबसूरत है घोड़ा यार, देख सकते हैं आप। अबलक में है। एज बताई आपने? 4 साल। 4 साल। हाइट कितनी बताई इसकी? हाइट 62 इंच। 62। और आप मांग रहे हैं इसके 2.5 लाख? ठीक, इसके बारे में बताओ। ये भी बच्चा है? ये भी बच्चा है। 3 पैर सफेद है ना? 3 पैर सफेद है। माथा ठीक है? माथे पे इसके देवबंद नहीं है, कंठा है। देवबंद भी हैं? हाँ, बाकी सब क्लियर है। कान भी मारवाड़ी है ना? हाँ, मारवाड़ी है पूरा। मारवाड़ी है पूरा। हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट होगी अभी लगभग 62 होगी इसकी भी। 62। ऊंचे पे कटा इसलिए तो नहीं है कि 62 है भी? नहीं, होगी है। 62 ही। चलो जो आएगा वो चेक करेगा जो भी है। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हो उसकी? इसके मांग रहे हैं करीब 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये। तो पहली बार यहाँ पर आए, उस हिसाब से कैसा अभी तक एक्सपीरियंस? सही नहीं रहा है? बहुत बेकार रहा हमारे से। तो वैसे क्या करते हो? वैसे तो अपना कोई और धंधा है, खेती। खेती का। तो आपको ये लगा होगा कि घोड़ों में जरा करो, जैसे अपनी तरफ के मेले करते थे जैसे यूपी के? हाँ। तो वहाँ कैसा रहता था? उधर अच्छा रहता अपनी तरफ से, इधर से अच्छा। ये तो मेला बहुत बड़ा है लेकिन? हाँ, इसका नाम सुना था, सही इधर को आए। अच्छा। हाँ, बहुत नाम सुना था, अभी तो आए इधर को भाई। तो आके कैसा लग रहा है कि गलती कर दी? बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अभी तो यार कितने दिन हो गए आए हुए? हमने इधर 15 दिन हो गए। 15 दिन में अभी बिक नहीं पाया बताओ? एक भी नहीं बिका है। और इतने रेट के भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा? नॉर्मल रेट है इसके। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कई लाख रुपए वाले हो, 50 लाख वाला तो रुक भी जाए? कम कम पैसे हो गए हैं सब, नहीं बिक पा रहा तो कितने पैसे बिकेंगे? क्या बिकेंगे, सही बात है। तो अब इसके बाद कहाँ जाने की तैयारी है? इसके बाद अब जाना है इधर मेला एक और लग रहा है मालेगांव में। मालेगांव में
दोबारा आओगे इधर? नहीं दोबारा नहीं जाएंगे, बेच के जाएंगे। अब अगली बार आओगे यहाँ? इधर नहीं आएंगे, इधर का खाली नाम देखा था कैसा है क्या, इधर कुछ भी नहीं है हमारे उससे तो। अच्छा जब बिक ही नहीं रहे तो यार उसमें तो दिक्कत ही है ना यार। चलो भाई अकिल, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हारे ये जल्दी जल्दी सेल हो जाए, यहीं पर मालेगांव जाने की जरूरत ना पड़े। चलो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।